दुरुस्त मुल्क सिलस जो जम्मू कशीर मज ईदुलफितर अकीदत एहतराम सान मना ईद नमाज हन सर्व खुद बोर्ड तकरीब सपज दरगाह हजरतबलस मज मुनद लूकन हंद खास तैदान कर ईद नमाज मन शिरकत जाम मस्जिद श्रीनगर के मेम्बर महराब रूद आज त खामोश डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान कोर अफसूस इजहार मीरवाइज उमर फारूक सन रिहाई हन तुख मुतालब वाडर सोपरस मज आव पेश दर्दनाक हादस शीत वरिश बुजुर्ग खातून गई पहरू नालस मज एस डी आर एफ तरफ बचाव कार्रवाई लगातार जारी तो पेश खबरन तफसील दुरुस्त मुल्क सिलस जम्मू कशीर मज आज ईदुलफितर मजहबी अकीदत एहतराम सन मनाने यवान यत आज सुबह शहरगाम लोकचन बजन मस्जिद सान खानकाहन दरगाहन तो ईदगाहन मज लुको तरफ नमाज ईद अदा करना आए तथा सब सर्व खुद बड़ तकरीब आसार शरीफा दरगाह हजरतबलस मज ये वादी तो खत चना पे आमच लुकन हंद बड़ तदाद शिरकत कर नमाज ईद अदा कर अत मौक पकीदत मंद अफजारी करान नजर गलमाओ तरफ अत मौक पे मुसलमान पे जोर दिन आमुत तम ग फजूल खर्च नश बचित रोजन ये जन अखरस पे दुरुस्त मुल्क खसूस जम्मू कशीर के अमन तो सलामती खातर दुआ तरना आव अत मौक पे आई लुख अकस ईद मुबारकबाद दिवान त नजर ग यप रूद मरकजी तो तवारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर मेम्बर महराब आज त खामोश मरकजी जामा मस्जिद मज आई नम लट त नमाज ईद अदा कर यमकिन लुख मायूस नजर ग जुमतुल विदाच तकरीब ईद खुश असलूबी सान अदा करना आई तम पत उमीद ज ईद नमाज त अदा कर ताहम रूद मेम्बर महराब आज त खामोश वन शवान अवकाफ तरफ सुबह नमाज ईद 9 बजे हंद वक् मुकर्र करना आमुत ताहम सपद सूरत हाल तमिज तब्दील ये आज सुबह इंतजामिया तरफ अवकाफस वन तम कर सती बजे नमाज अदा यम पत मस्जिद अवकाफन फैसल कोर ज जामा मस्जिद मज यी नमाज ईद अदा कर तेज वक् तब्दील कर सपद लुकन मज इंतार पौद ये सबक वजर अला जम्मू कश्मीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान मरकजी जामा मस्जिद मज नमाज ईद अदा न कर पे अफसूस इजहार कर्मुत तो तमो मीरवाइज उमर फारूक सन रिहाई हन मुतालबो कर्मुत तमो पुछ हमल सवाल तथ कान वोमुत बेगुना लुख ग सतवन ये वो तो कह रहे थे वहाँ भी होगी आज नमाज मुझे इसका बहुत अफसोस है क्योंकि ने अनाउंस किया था कि वहाँ नमाज होगी 9 बजे तो मैं समझ रहा था कि वहाँ होनी चाहिए ये तो गलत है अगर एक तरफ से यहाँ हालात अच्छे हैं तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए थी नमाज और गवर्नमेंट को इसी तरफ देखना चाहिए ये गलत है कि वहाँ के लोगों को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते हैं क्या देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी है आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं दकड़ते हैं फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं ये गलत तरीका है ये नहीं होना चाहिए आज आपने नमाज खुद पढ़ी है खुश असलूबी के साथ रमजान का मुबारक महीना निकला लेकिन बदकिस्मती से तवारी की जामे में तालाबंद के हजरात मुझे बहुत अफसोस है ये होना नहीं चाहिए हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए और लोग आराम से पढ़ना चाहते हैं पढ़नी चाहिए और मौलवी फारूक साहब उमर फारूक साहब को भी छोड़ना चाहिए कि वो भी इसमें शामिल होते लोगों के सामने खिताब करते और अच्छी बातें लोगों को सुनाते जिससे कि लोग अमन में रहें और जो ये बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते थे इपर जुम सूब मे ईद हज तकरीब खुश असलूबी सान मना ये आज सुबह मस्जिद तो ईदगाहन मज लुकन हंद रश नजर ग जुम सूब किस पुंछ जिलस मज आज सुबह मरकजी ईदगाह मज नमाज ईद अदा कर लकटो बड़ो हेत लुकन हंद खास तदादन
عید نماز من شرکت کر ات موقع پہ لک اکس مبارکباد دان نظر گسان تک تمو ات موقع پہ پن لواقین تاد کرم सबको आज के इस दिन मुबारक दिन के मौका पर हम ईद की मुबारकबाद देते हैं और यही दुआ करते हैं कि अमन शांति भाईचारा जो है पूंछ के अंदर जो सदियों से एक परंपरा है वो चली आ रही है और आगे भी इसी तरीके से चलनी चाहिए। ईद उल फितर के मौके पे मैं तमाम आलम इस्लाम को जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारक देता हूँ। ईद उल फितर जो है ये रमजान के बाद ये ईद उल फितर आती है, लैलतुल कद्र के बाद आती है, तो ये रंग तो का भरपूरा महीना था। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँ की इधर ही इसकी में हमारे नवरात्रे चल रहे थे, हमारी रामनवमी थी, हमारी बैसाखी थी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन डीसी एसपी साहब ने मीटिंग करी थी और उसमें एक बड़ा अच्छा नतीजा निकल के आया कि यहाँ पे अच्छा मैसेज दिया। तो मैं तमाम लोगों को हिंदुस्तान के वजीर आजम को और जम्मू कश्मीर के रफ्टी गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और अवाम को भी मुबारक देता हूँ कि इन्होंने बड़े प्यार से सत्कार से इन दिनों का बनाया और ये पैगाम देता है अमन शांति भाईचारे इत्तेफाक का और ये एक अच्छा मैसेज आता है। जहां तक आपने कहा हमारे पांच सेना जो हमारे जो भाग जो मारे गए हमारे पांच तोता गली में, ये नहायत ही दुख की बात है और हमने अभी भी जो इंटरव्यू देने आए थे उनको भी यही कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के जितनी अवाम मुसलमान है ये सादगी से सादगी के साथ ये ईद उल फितर बनाए क्योंकि हमारी हमदर्दियां वो जो मर गए हैं हमारे बेचारे फौजी उनके साथ हैं, उनके वाकिन के साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि उनको सब्र ये सब्र जमील का हो और ये सादगी से अपील ईद मनाने का वाज मकसद यही होता है। खबर नाम छे जेरी यस्ने वक्त जेर थी वक्फ़।